हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत डिफरेंट है मेरे दूसरे वीडियो से, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में है। वो बात है दैट इज़ बहुत दिनों से मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहा है कि डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, डू सम इंटरेस्टिंग, बहुत बोरिंग चीज़ें कर रही हो, इंटरेस्टिंग थिंग। कंस्ट्रक्टिव कमेंट है, बट मैं आपको हर वीडियो में क्या बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के देती हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशन है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप ये करो, मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, उसके ऊपर फोकस करूँगी। मैं अपने जर्नल में लिख लूँगी, अपने टू डू लिस्ट में लिख लूँगी कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, आप सब बोल के रख देती हो और जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आप उसके ऊपर कमेंट करने के लिए आ जाते हो कि यू आर डूइंग सच ए बोरिंग थिंग, फर्स्टली। सेकेंडली आप बोलती हो कि पढ़ाई इज़ अ बोरिंग थिंग, आई डोंट थिंक सो। यूट्यूब में आपको बहुत सारे पढ़ाई की वीडियोज़ मिलेंगी, स्टडी विथ मी हो रहे हैं डेफिनेटली, मुझे पर्सनली पढ़ना अच्छा लगता है, सो आई फिल्म दैट। मैंने आपको वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था, अगर आपने नहीं देखा है, मेरे चैनल पे इतने भी सारे वीडियोस नहीं है, ओनली 33 वीडियोस है, यू कैन गो बैक टू द वेरी फर्स्ट वीडियो, अपने आप देख सकते हो कि उसमें मैंने बोला है कि मैं रोज़ क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या करती हूँ, मैं आपसे वही शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैंने वही करने की कोशिश की है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं आपको वो दिखाऊँ, मैं अच्छा कोई घूमने जा रही हूँ तो मैं आपको वो दिखाऊँ, मैं घर पे रहकर क्या कर रही हूँ तो मैं आपको वो दिखाऊँ, कोई फेक चीज़ या फिर फेक कंटेंट क्रिएट करके आपको ना दिखाऊँ कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप कोई सजेशन कर रहे हो कि डू समथिंग इंटरेस्टिंग, सो डेफिनेटली वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट करो कि आप ये काम करो तो मुझे अच्छा लगेगा, आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो करूँगी कि रोज़ का जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है वो आपको शो करूँगी। आपको अगर अच्छा लगता है स्टडी सीरीज़, आपको अगर डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छा लगता है, मैं राइटिंग करती हूँ तो आपको बोरिंग लगता है, सो आपको अगर मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है कि मैं जैसे पढ़ रही हूँ वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो मुझे सजेस्ट करो कि आप ये जो आपका लाउड रीडिंग सेशन है वो आपको कंटिन्यू करो। देखिए सीरियसली, मैं भी कहीं बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ, सो वो सारे अभी दिखाना प्रिटेंड करके इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं भी फिर कहाँ घूमने चली गई, रास्ते में ऐसे निकल गई कहीं। वैसे मैं घर पे रहना बहुत पसंद करती हूँ एंड मैं रास्ते में कहीं जस्ट निकल जाऊँ कि आपको दिखा रही हूँ ये देखो मैं यहाँ निकल गई वहाँ निकल गई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मैं जहाँ रह रही हूँ, विच सिटी आई एम राइट नाउ, मैं राइट नाउ नहीं, मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ एंड इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे चारों ओर इतना सारा कोरोना का केसेस है, चारों ओर पुलिस की सारी नाकाबंदी हुई रही है, विदाउट एनी इम्पॉर्टेंट थिंग यू कॉन्ट गो आउटसाइड। ठीक है, तो मैं ऐसी फेक चीज़ें मुझे लोगों को दिखाना नहीं अच्छा लगता, आई डोंट रिकमेंड टू डू इट, और मुझे ये सब झूठ बोल के दिखाऊँ ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ या फिर जो करती हूँ मैं आपको वही शो करती हूँ, बिकॉज आई थिंक रियलिटी इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर एवर एंड एवर। आपको फेक नहीं करना है, आपको रियल दिखाना है, मैं वही बिलीव करती हूँ ये। तो प्लीज़ आप फर्दर अगर मेरे वीडियोज़ में फ्यूचर में भी कॉमेंट कर रहे हो कि डू समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा करो, बहुत बोरिंग है, ये है, कंस्ट्रक्टिव ही मुझे दे रहे हो कॉमेंट, बट स्टिल मैंशन कर दो कि मुझे टॉपिक भी दे दो तो मुझे हेल्प हो जाएगी, अरे हाँ मैं करूँगी, बिकॉज आई एम अ वेरी बिगिनर यूट्यूबर और मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, मैं सीख रही हूँ। एवरीबडी लर्नस एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड दिस ट्राई टू लर्न इट, तो मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे क्या करा जाता है। और देखो नॉर्मल डे से अगर नॉर्मल डे होता अगर रेगुलर, तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट कि हाँ मैं घूमने जा रही हूँ, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो शूट करती हूँ। आई नो कि सबको अच्छा लगेगा किसी की लाइफ देखने को, किसी की लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है देखने को। मैं भी वही सोचती हूँ, मैं हर वक्त अपने दिमाग में ये सोचती हूँ कि अगर मैं एज अ व्यूअर होती तो मैं अपने यूट्यूबर को क्या एक्सपेक्ट करती वो मुझे शो करे वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग, वो क्या कर रही है अपनी रोज़ के दिन में, वो डेली लाइफ में क्या कर रही है, या फिर वीकेंड में जब घर पे होती है वो क्या करती है अपनी स्किन पे एम्पेरी रूटीन। बट आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल, आई एम वेरी नॉर्मल गर्ल एंड मैं इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ, और प्रिटेंड करके दिखाना मुझसे कभी नहीं होगा, एक्सपेक्ट ही मत करो, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्रिटेंड करके दिखाऊँ वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं रियल चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, मैं जो कर रही हूँ जो ना कर रही हूँ तो वो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ, बिकॉज यू माई प्राइड फैमिली राइट, मैं आपसे ही सब कुछ शेयर करती हूँ। दिस ईयर इज़ अ वेरी फर्स्ट ईयर, मैं आप सबके साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपसे शेयर कर रही हूँ एंड आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आप लिख रहे हो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कॉमेंट, आई न्यू इट,
बट आप टॉपिक मुझे सजेस्ट कर दो कि आप ये करो वो करो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके पे काम करने की कोशिश करूँगी. आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स बट आई विल डू. मैं ह्यूमन बींग हूँ राइट, मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ कि मैं गलती नहीं करूँगी. मैं ह्यूमन बींग हूँ, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, तो मुझसे भी गलतियाँ होंगी. मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी. बट डेफिनेटली यू विल सजेस्ट द टॉपिक एंड देन टेल मी. आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी देती हूँ. जस्ट फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो एंड सजेस्ट योर ओपिनियन एडवाइस टू मी एज वेल. ऐसे ही मत कुछ बोल दो, सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो. सो आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू. या थैंक यू सो मच. इस वीडियो में यही मुझे बोलना था आपसे. बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बोलूँ और बाहर से अगर कोई भी ज़्यादा साउंड हो रहा है तो मुझे माफ़ कर दो. आई कॉन्ट हेल्प इट बिकॉज बहुत सारी कहानियाँ चल रही है और दिस इज़ अ कॉलोनी राइट. सो यहाँ पे बहुत सारी लोग बातें कर रहे हैं, मैं किसी को चुप नहीं करा सकती. एंड तो आपसे नेक्स्ट वीडियो से अगर कुछ आपको लिखना होगा तो मुझे लिख के बताना कि आपको क्या चाहिए, क्या कंटेंट आपको राइट लगेगा, क्या आपसे, क्या आप मुझे देखने की आशा करते हो. ठीक है, तो मैं अभी हर वक्त जब भी वीडियो बनाती हूँ शूट इट, आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड माई सेल्फ एज अ व्यूअर. मैं अपने आप को व्यूअर की जगह पर ही रखती हूँ एंड मैं ये सोचती हूँ अगर मैं व्यूअर होती तो मैं अपने यूट्यूबर से क्या एक्सपेक्ट करती देखना. आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक लिटिल बिट ऑफ वीकेंड में, हॉलीडेज पे आप क्या कर रहे हो, स्टडीज़ में क्या आपका इंटरेस्ट है, स्टडी कैसे कैसे करते हो, आपका टेक्निक क्या है पढ़ने का, लर्न करने का. सो आई लर्न दैट थिंग. सो मैं भी अपने आप को वैसे ही रखती हूँ एंड आई थिंक इट एंड मेक द वीडियो. एंड इफ़ यू डू लाइक सो थैंक यू. और जो भी मतलब बोल रहे हो रेक्टिफाई कर रहे हो, थैंक यू सो मच. मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी, बस आप मुझे सजेस्ट भी कर देना. वो इज इट क्लियर सो यू. सो थैंक यू सो मच. आज तो मैं रख रही हूँ, बहुत दिनों से मैं बोलने की कोशिश कर रही थी. एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.